उत्तर प्रदेश के बरेली में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमान के कत्ले आम का ऐलान किए जाने के विरोध में आज इम्तिहान मित्तल काउंसिल के आह्वान पर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचकर कुर्बानी देने की पेशकश की। इत्तेहादे ए मित्तल काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कौन राम भक्त कौन रावण भक्त है, ये हिंदू समाज को तय करना है। मैं आज लड़ने नहीं आया हूँ, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपनी जान देने को आज यहाँ आया हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग लड़ने की बात करते हैं वो लड़ नहीं सकते। हमारे देश के हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ नहीं सकते। चाइना तुम्हारे देश में मीलों तक घुसा बैठा है, तुम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हो बल्कि अपने देश के ही मुसलमान भाइयों को मारने की बात कर रहे हो। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए केवल 300 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, लेकिन हजारों की संख्या में मुसलमानों के पहुंचने पर जिला प्रशासन को चौकस रहना पड़ा। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो दूरी, जो खाई बन गई है, इस खाई को सिर्फ दावत ही बांध सकती है। दावत का सिलसिला शुरू कीजिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार कीजिए, एक दूसरे से दोस्ती कीजिए, एक दूसरे से जरूरत पड़ेगी तभी देश का माहौल अच्छा रहेगा। मैं उन तमाम हिंदुवादियों से कहता हूँ कि अगर जन्म चाहते हो तो जन्म देश के लिए करो, अगर लड़ाई चाहते हो तो लड़ाई देश के लिए करो, देश की एकता के लिए करो। देश को बर्बाद करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। फिलहाल जंग हमेशा अच्छाई ने जीती है, बुराई हमेशा ताकतवर नजर आई है। राम बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, तन्हा थे, रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बिलाखिर रावण परास्त हुआ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हमेशा जंग होती रही है और इस जंग को कोई नहीं रोक सकता। ये जंग होती रहनी चाहिए, रहती दुनिया तक ये जंग जारी रहेगी, लेकिन तय हमारे हिंदू समाज को आज ये करना है कि असल में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर हम बुरे हैं तो ये बताओ, हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अजमत पर जान देने के लिए आए हैं और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।